क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन मंगल पर खेती करना कैसा होगा? मंगल की लाल मिट्टी पर फसलें उगाना और मार्शियन ग्रीन हाउस का नया कृषि क्षेत्र बन जाना, ये सब सुन के लगता है जैसे साइंस फिक्शन है ना? लेकिन आज हम सिर्फ सोचने वाले नहीं हैं, हम सच में एक्सप्लोर करेंगे कि मंगल पर खेती कैसे हो सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो वाकई में दुनिया से बाहर है, यानी कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं कि हनी बी फार्मिंग कैसे की जाती है, तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर हमारे डिटेल्ड कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां आपको सारी की सारी जानकारी विस्तार में मिल जाएगी। लेकिन अभी के लिए चलिए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। मंगल पर खेती करने के लिए पहले हमें इसके एनवायरनमेंट को समझना होगा। मंगल एक ठंडा प्लैनेट है जहां एवरेज तापमान -80 डिग्री फारेनहाइट यानी कि -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतनी ठंड में क्रॉप्स को ग्रो करना मुश्किल है बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। मंगल का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का 1% भी नहीं है। इस पतले एटमॉस्फेयर और हाई रेडिएशन लेवल्स की वजह से खेती करना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अभी उम्मीद मत छोड़िए, साइंटिस्ट कुछ जबरदस्त सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं जो इन चैलेंजेस को टैकल करने में मदद कर सकता है और मार्शियन फार्मिंग को पॉसिबल बना सकता है। मंगल पर खेती करने के लिए सबसे पहला कदम है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाना। प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउसेस या डोम्स जरूरी होंगे जो अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को 65 डिग्री फारेनहाइट से 75 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बरकरार रखना होगा, जो ज्यादातर फसल के लिए उचित है। इन ग्रीन हाउसेस के अंदर वातावरण को ध्यान से रेगुलेट किया जाएगा ताकि प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स प्रोवाइड किए जा सके। अब बात करते हैं मार्शियन सॉइल की, यानी कि इसके न होने की। मंगल की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, क्रॉप्स के ग्रो करने के लिए उचित नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। लेकिन रिसर्चर्स हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे मेथड्स डेवलप कर रहे हैं जो इस सॉइल को इन्हांस करने में मदद कर सकता है। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को सॉइल के बिना न्यूट्रिएंट रिच वाटर सॉल्यूशन में ग्रो किया जाता है और एरोपोनिक्स में पौधों को मिस्ट एनवायरनमेंट में उगाया जाता है जो रूट्स को डायरेक्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये मेथड्स मार्शियन सॉइल की लिमिटेशंस को ओवरकम करने में मददगार हो सकते हैं। पानी भी एक जरूरी फैक्टर है। मंगल पर वाटर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इसलिए एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम्स जरूरी होंगे। क्लोज लूप वाटर सिस्टम्स जो 95% तक वाटर रिसाइकल करते हैं, इंश्योर करेंगे कि पानी एफिशिएंटली इस्तेमाल हो। ये सिस्टम्स पानी को फिल्टर और प्योरीफाई करेंगे ताकि सस्टेनेबल सप्लाई बना रहे। अब बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो मार्शियन एग्रीकल्चर को संभव बना सकती हैं। मंगल को सिर्फ अर्थ की सनलाइट का 43% ही मिलता है, इसीलिए एलईडी लाइट्स एक अहम रोल निभाएंगी। ये लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ पर ट्यून्ड होंगी ताकि सनलाइट को मिमिक किया जा सके, जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। नासा का वेजी एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सिमिलर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है पौधों को ग्रो करने के लिए। रोबोटिक फार्मिंग भी मार्शियन खेती को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। ये रोबोट्स ऐसे डिजाइन किए जाएंगे जो हार्श मार्शियन पर्यावरण में प्लांटिंग, मॉनिटरिंग और हार्वेस्टिंग हैंडल कर सकते हैं। सेंसर्स और एडवांस्ड एआई से इक्विप्ड ये रोबोट्स दिन और रात काम करेंगे ताकि ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी इंश्योर हो सके। अच्छा, एक और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है बायो रिएक्टर्स का इस्तेमाल करके खाने का उत्पादन करना। ये हाईटेक सिस्टम्स एडिबल एल्गे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्टिवेट कर सकते हैं जो प्रोटीन और दूसरे अन्य न्यूट्रिएंट्स से रिच हैं। ये सिस्टम न्यूनतम रिसोर्सेज की जरूरत के साथ स्टेडी फूड सप्लाई प्रदान कर सकता है। तो मंगल पर हम कैसे क्रॉप्स उगाने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पोटेटोज एक टॉप कैंडिडेट है उनकी हाई यील्ड और न्यूट्रिएंट डेंसिटी की वजह से। पृथ्वी पर एक एकड़ से 20 टन आलू तक यील्ड होता है, जो एक मार्शियन कॉलोनी के लिए सब्सटेंशियल फूड सोर्स प्रदान कर सकता है। वैज्ञानिक लीफी ग्रीन्स जैसे कि लेटस को भी कंसिडर कर रहे हैं, जो जल्दी ग्रो होती है और न्यूनतम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। इन्हें कुछ हफ्तों में हार्वेस्ट किया जा सकता है, जो एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करते हैं। माइक्रोग्रीन्स भी एक प्रॉमिसिंग विकल्प है। ये छोटे न्यूट्रिएंट पैक्ड पौधे जल्दी ग्रो करते हैं और छोटी स्पेसेस में कल्टीवेट किए जा सकते हैं, जो मार्शियन हैबिटेट के लिए पर्याप्त है।
इनका हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू मार्शियन डाइट के लिए वैल्यूएबल एडिशन हो सकता है। मंगल पर एग्रीकल्चर का भविष्य बहुत ही एक्साइटिंग है। चलती रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ मंगल पर खाना ग्रो करना एक रियलिटी बन सकता है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम और प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स मंगल पर ह्यूमन लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए काम ऑलरेडी कर रही है। और मार्शियन एग्रीकल्चर का सक्षम होना लॉन्ग टर्म कॉलोनाइजेशन के लिए अहम होगा। एक ऐसे फ्यूचर का सोचिए जहां मार्शियन फार्म्स फ्रेश प्रोड्यूस एस्ट्रोनॉट्स और कॉलोनिस्ट के लिए प्रदान करते हैं। ये विजन उतना दूर नहीं है जितना कि लगता है। जैसे ही हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को पुश करते हैं, मंगल पर खेती का सपना एक हकीकत बन सकता है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंटरप्लैनेटरी लिविंग के नए दौर का दरवाजा खोल सकता है। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर हिट करें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कंटेंट हम दे सके। हमें आपके थॉट्स भी सुनना पसंद है, और कोई फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स हैं जो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़े सपने देखें और क्यूरियस रहें। हैप्पी फार्मिंग।